हेलो स्टूडेंट्स एंड प्रमोद शर्मा फैकल्टी ऑफ जोग्राफी एंड वेरी वार्म वेलकम इन द क्लास ऑफ एटलस एटल बच्चों आज क्लास के दौरान कुछ प्रॉब्लम आई है लाइव क्लास हमारी इंटरप्ट हो गई है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आई है इंटरनेट की जिसकी वजह से आज मैं अब अपनी रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस में आप लोगों पर <coughs> अपनी जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको मैं आप लोगों के लिए भेज रहा हूं बस जस्ट धैर्य बनाए रखिए और अब आप लोग वीडियो देखेंगे थोड़ी देर बाद मैं अभी इसको थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा तो बच्चों खैर आइए हम लोगों ने पिछली क्लास में यानी कल वाली क्लास में विशेष रूप से थॉन्डवेट के क्लासिफिकेशन को देखा था और थॉन्डवेट के क्लासिफिकेशन में हमने उसके बहुत सारे आस्पेक्ट पर चर्चा की जिसमें विशेष रूप से थॉन्डवेट ने अपने क्लासिफिकेशन में किन किन विशिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग किया उस पर हमने चर्चा की और इस क्रम में यह भी बताया था बच्चों मैंने कि उसके क्या अपने सकारात्मक पक्ष थे और क्या नकारात्मक पक्ष इस पर भी हम लोगों ने डिटेल चर्चा की इन दैट डिस्कशन बहुत सारी बातें हुई और इसके बाद आज हम लोग कॉपेन के और थॉन्टवेट के क्लासिफिकेशन के बाद कुछ विशिष्ट तत्वों पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर प्रश्न आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कॉपेन और थॉन्टवेट क्लासिफिकेशन में कुछ बहुत खास बातें जैसे नो डाउट कॉपेन ने शुरुआत की तो थॉन्टवेट ने उसे अपने विशेष अध्ययन के द्वारा वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचाया उसमें और वैज्ञानिकता को जोड़ा और ज्यादा से ज्यादा उसको साइंटिफिक बनाने का प्रयास किया हालांकि यह भी खास बात रही कि थॉन्टवेट का प्रयास नो डाउट बहुत प्रशंसनीय था आपने में देखा जब हमने उसके इवेल्यूएस किया था तो उस इवेल्यूएशन में हमने देखा कि नो no डाउट का क्लासिफिकेशन कई मामलों में जबरदस्त है परंतु ज्यादा वैज्ञानिकता होने की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बहुत ज्यादा वैज्ञानिक होने के वजह से कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया उस पर भी हम लोगों ने विशेष रूप से चर्चा की देखा होगा आप लोगों ने आज बच्चों विशेष रूप से मैं अपने इस क्लास में ये क्लास इस रूप में विशिष्ट है कि यहां पर विशेष रूप से कॉपेन और थॉन्टवेट के क्लासिफिकेशन में जो कुछ समानता के बिंदु हैं और कुछ असमानता के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर आज मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा यानी कि थॉन्टवेट और क्लासिफिक थॉन्टवेट और कॉपेन के क्लासिफिकेशन में समानता के बिंदु कौन है अंतर के बिंदु कौन है ये आपके पेपर के लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से कई बार शॉर्ट नोट्स के रूप में प्रश्न पूछे जाते रहे बच्चों ये बड़ी खास बात है तो आइए आज के अपने इस क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं और जरा देखते हैं कि भाई क्या क्या स्थितियां हैं क्या क्या परिस्थितियां हैं और उन पर हम लोग चर्चा करते हैं अपना कारवां आगे बढ़ाते हैं यानी कि ये कह सकते हैं कॉपेन और थॉन्टवेट के क्लासिफिकेशन में समानता और असमानता के बिंदु और उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं तो चलिए भाई कॉपेन और थॉन्टवेट के वर्गीकरण समानता एवं या समानता और असमानता के बिंदु समानता एवं असमानता के बिंदु कौन कौन से हैं इन बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करते हैं ठीक है जो लोग आज नए वीडियो से जुड़ रहे हैं आज इस क्लास में आ रहे हैं वे तुरंत वीडियो को लाइक्स करें सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों शेयर करें ताकि ये कारवा और दूर तक फैले सभी लोग लाभान्वित हों जो बच्चे क्लास में आए थे और लाइव क्लास नहीं देख पाए उस असुविधा के लिए मैं खेद कहूँगा बच्चों आइए तो कोपेन और कॉन्डवेट के इस क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने यह देखा कि कोपेन ने अपनी शुरुआत की और उसी को आधार मानकर थॉन्टवेट ने आगे बढ़ाया सोचे समानता के बिंदु में थॉन्टवेट ने भी थॉन्टवेट ने भी विशेष रूप से इंग्लिश वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया आप याद करिए और ए डॉट आर वगैरह ये जितने भी वर्ड इंग्लिश वर्डमाला के लेटर्स हैं उन्होंने भी उस लेटर्स का प्रयोग किया बड़ी खास बात है बच्चों यानी कि सबसे बड़ी समानता ये है कि कॉपेन ने जहां चीजों को दर्शाने के लिए प्रदेशों को दर्शाने के लिए विशेषताओं को दर्शाने के लिए यानी कि वर्षा की क्या स्थिति है तापमान की क्या स्थिति है उसको दर्शाने के लिए विशेष रूप से इंग्लिश वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो जैसे तापमान के लिए कैपिटल लेटर तो वहीं रेनफॉल के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग किया तो वहीं कुछ उसी प्रकार की स्थिति आप थॉन्टवेट के क्लासिफिकेशन में भी देखोगे यानी उन्होंने भी इंग्लिश वर्डमाला के अक्षरों का प्रयोग किया फिर एक खास बात बच्चों और भी थे कि कॉपेन के समान थॉन्टवेट भी कॉपेन के समान थॉन्टवेट भी इस बात को मानते थे इस बात को मानते थे कि वनस्पति जलवायु का एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लाइमेट उन्होंने इस चीज को माना कि वेजिटेशन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लाइमेट यानी कि दोनों विद्वान इस बात में विश्वास रखते थे इस रूप में ये महत्वपूर्ण बात बन जाती इसके साथ साथ विभिन्न जलवायु प्रकारों को इंगित करने के लिए वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया और एक खास बात और है बच्चों कुछ हद तक आप देखेंगे वेट भी कॉपेन से काफी हद तक प्रभावित थे और उसी सेंस में अपने वर्गीकरण को आगे बढ़ाया और जिस तरह से कॉपेन समय समय पर अपने वर्गीकरण में संशोधन करते हुए उसको और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया सेम थॉन्टवेट साहब ने भी समय समय पर वर्गीकरण करके कर उसे और भी प्रभावी बनाने का प्रयास किया तो ये दो तीन ऐसे बिंदु हैं समानता के बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण बन जाते हैं फटाफट इसको लिख लीजिए लिखे जल्दी से कॉपेन और थॉन्टवेट का वर्गीकरण कॉपेन और थॉन्टवेट का वर्गीकरण वर्गीकरण बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में बीसवीं सदी सदी के पूर्वार्ध में प्रतिपादित हुए और दोनों वर्गीकरण में और दोनों वर्गीकरण में समानता के अनेक बिंदु समानता के अनेक बिंदु देखने को मिलते हैं दोनों वर्गीकरण में समानता के अनेक बिंदु देखने को मिलते हैं देखने को मिलते हैं ये बड़ी खास बात है इस पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं ठीक है जो निम्नलिखित हैं जो निम्नलिखित हैं नंबर एक नंबर एक दोनों विद्वानों ने जलवायु के प्रदेश जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में दोनों विद्वानों ने दोनों विद्वानों ने जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में वनस्पति को प्रमुख आधार बनाया वनस्पति को प्रमुख आधार बनाया अर्थात दोनों विद्वानों का मानना था कि अर्थात दोनों विद्वानों का मानना था कि मानना था कि किसी भी क्षेत्र की वनस्पतियां किसी भी क्षेत्र की वनस्पतियां उस क्षेत्र की जलवायु की उस क्षेत्र के जलवायु की सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती हैं सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती हैं नंबर दो नंबर दो कोपेन के समान ही थोन्टवेट की योजना में भी कोपेन के समान थोटवेट के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में भी कोपेन के समान ही थोन्टवेट के वर्गीकरण में भी थॉन्टवेट के वर्गीकरण में भी अनुभविक और मात्रात्मक अनुभविक एवं मात्रात्मक अनुभविक एवं मात्रात्मक थी क्योंकि वर्षण तथा तापमान से परिकलित क्योंकि वर्षण तथा तापमान से परिकलित वर्षण तथा तापमान से परिकलित विभिन्न परिमाणात्मक प्राचलों विभिन्न परिमाणात्मक प्राचलों यानि क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के आधार पर के आधार पर विभिन्न जलवायु प्रकारों की विभिन्न जलवायु प्रकारों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है सीमाओं का निर्धारण किया जाता है याद रहेगा बच्चों ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट कोपिन के समान, समान, के थॉन्टवेट ने भी, कोपेन के समान थॉन्टवेट ने भी जलवायु प्रकारों को इंगित करने के लिए जलवायु प्रकारों को इंगित करने के लिए करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के विभिन्न अक्षरों अंग्रेजी वर्णमाला के विभिन्न अक्षरों अक्षरों का प्रयोग किया अक्षरों का प्रयोग किया एंड नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट वेट ने भी पिन के समान थॉन्टवेट ने भी कॉपिन के समान समय समय पर समय समय पर अपने वर्गीकरण समय समय पर अपने वर्गीकरण जल्दी से लिखिए समय समय पर अपने वर्गीकरण को संशोधित किया तथा और बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास किया और बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास किया तो इस तरह से इन सभी बातों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए विचार करिए मनन करिए चिंतन करिए ठीक है बच्चों तो इस तरह से आप इन सभी चीजों को समझ सकते हैं समानता के बिंदु आप लोग ध्यान रखे हो सकता है कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ दिया जाए दस नंबर के प्रश्न में तो आप लोग इंट्रोडक्शन दे के अपना लिख सकते चलिए मैं समझता हूं सौ शब्द हो ही गए होंगे आइए अब असमानता के बिंदु देख लीजिए भाई यानी कि अंतर कहां कहां है जरा याद करिए कहां पर अंतर है बहुत सारे अंतर हैं भाई बहुत सारे अंतर हैं जैसे सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि इन्होंने ताप वैसे तो इन्होंने माना कि ताप और आर्द्रता प्रमुख निर्धारक हैं जलवायु के ये प्रमुख पैरामीटर्स हैं परंतु उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इनका प्रयोग नहीं किया बल्कि इसके लिए उन्होंने कुछ विशेष शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए प्रयोग किया जैसे वर्षा प्रभाविता तापमान दक्षता संभाव्य वाष्पन वापोसर्जन जैसे शब्दावलियों के माध्यम से उन्होंने उस बात पर चर्चा की कि भाई जो वर्षा होती है जो वर्षण होता है उसकी कितनी मात्रा वनस्पतियों द्वारा प्रयोग होती है और जो ताप होता है वो कितनी मात्रा में प्रयोग होता है इस तरह से उन्होंने एक जटिल सूत्रों का कुछ निर्धारण किया और उसके माध्यम से कैलकुलेट किया एक तो सबसे बड़ा वर्गीकरण यही है डिफरेंस यही हो गया फिर दूसरा अंतर बच्चों यहीं पर और भी हो जाता है कि कॉपेन ने जहां अपने प्रादेशिकरण में अपने वर्गीकरण में कम से कम जलवायु प्रदेशों पर चर्चा की यानी कि कम से कम क्षेत्रों का निर्धारण किया तो वहीं कोपेन साहब पता चला कि 32 जलवायु प्रदेश का निर्धारण करते फिर एक खास बात और कोपेन का वर्गीकरण चूंकि कम है संख्या में कम होने की वजह से मात्रा मानचित्र पर आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है तो वहीं साहब ये जो है आपके थोंडवेट साहब इनका भाई बड़ा मुश्किल है इनका मानचित्र पर प्रदर्शित कर पाना बहुत ही मुश्किल है फिर एक खास बात और कोपेन साहब ने बहुत ज्यादा गणिती सूत्रों बहुत ज्यादा आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया उनका सिंपल कुछ आधार थे कि भाई क्या एरिया में स्थिति बन रही है सिंपल आंकड़ों पर आधारित थी तो वहीं पर आपके थॉन्डवेट साहब इतने जटिल इतनी बड़ी मात्रा में आंकड़ों का प्रयोग करते हैं जिनका कलेक्ट कर पाना जिनका प्रयोग कर पाना बहुत मुश्किल और इसी का परिणाम इसके अंतर के बिंदु में बच्चों ये भी हो जाता है कि जहाँ कोपेन का क्लासिफिकेशन आज भी विद्वानों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बहुत ज़्यादा ग्राह है मान्य है तो वहीं थॉन्टवेट का क्लासिफिकेशन बहुत अधिक नहीं थंडवेट का क्लासिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो शोध कार्य से संबंधित बहुत विशिष्ट शोध कार्य से संबंधित जो लोग हैं वो उनका उनके आंकड़ों का प्रयोग करके जो भी करते हों बट सामान्य व्यक्ति के लिए उसको याद कर पाना उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया बात सही भी है आपने देखा इतने आंकड़े कई बार हो जाते हैं आज भी यूपीएससी के बहुत सारे बच्चे इससे भागते हैं थोंडवेट क्लासिफिकेशन भाई थोंडवेट साहब से राम बचा तो इस तरह से इन बातों पर आप लोग गौर करें थोड़ा सा समझें और उसको आगे बढ़ाएं चलिए लिखिए जल्दी से फटाफट फटाफट थोंडवेट की योजना थोटवेट की योजना या थोन्डवेट का क्लासिफिकेशन कर लीजिए थॉन्डवेट का क्लासिफिकेशन कोपेन के क्लासिफिकेशन से अनेक अर्थों में कोपेन के क्लासिफिकेशन से अनेक अर्थों में भिन्नता रखती है भिन्नता रखती है जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है नंबर एक थॉन्टवेट ने विभिन्न जलवायु प्रकारों में थॉन्टवेट ने विभिन्न जलवायु प्रकारों के निर्धारण में दो महत्वपूर्ण सूचकांकों दो महत्वपूर्ण सूचकांकों जैसे वर्षा प्रभाविता एवं तापीय दक्षता वर्षा प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का उपयोग किया परंतु इन सूचकांकों के आधार पर, परंतु इन सूचकांकों के आधार पर जलवायु की सीमाओं का निर्धारण जलवायु की सीमाओं का निर्धारण कठिन तथा अस्पष्ट हो जाता है कठिन तथा अस्पष्ट हो जाता है कठिन तथा अस्पष्ट हो, हो जाता है कोपेन की तुलना में नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू कोपेन की तुलना में थॉन्डवेट ने तीन गुना अधिक जलवायु प्रकारों तीन गुना अधिक जलवायु प्रकारों ब्रैकेट में बत्तीस जलवायु प्रकारों का अभी किया है, प्रकारों का अभी निर्धारण किया है जिन्हें मानचित्र पर दर्शाना जिन्हें मानचित्र पर दर्शाना अत्यंत कठिन है नेक्स्ट नेक्स्ट कोपेन के वर्गीकरण में कोपेन के वर्गीकरण में आंकड़ों का प्रयोग आंकड़ों का प्रयोग तुलनात्मक रूप से बहुत कम हुआ है तुलनात्मक रूप से बहुत कम हुआ है अतः उसे याद रखना सरल है याद रखना सरल है वहीं वही थॉन्टवेट के वर्गीकरण में वही थॉन्टवेट के वर्गीकरण में आंकड़ों के अत्यधिक प्रयोग ने आंकड़ों के अत्यधिक प्रयोग ने वर्गीकरण को बोझिल बना दिया है वर्गीकरण को बोझिल बना दिया है नेक्स्ट नेक्स्ट कॉपिन के समान थोंडवेट की योजना भी कॉपिन के समान थोंडवेट की योजना भी जंतु विज्ञानियों जंतु विज्ञानियों वनस्पति शास्त्रियों बनस्पति शास्त्रियों तथा भूगोल वेताओं में भूगोल वेत्ताओं में लोकप्रिय हुई लोकप्रिय हुई लोकप्रिय हुई परंतु जलवायु वैज्ञानिकों जलवायु विज्ञानियों और ऋतु विज्ञानियों ने जलवायु विज्ञानियों और ऋतु विज्ञानियों ने इस योजना का स्वागत नहीं किया इस योजना का स्वागत नहीं किया क्योंकि जल्दी से लिखिए क्योंकि वर्गीकरण की इस योजना में क्योंकि वर्गीकरण की इन योजनाओं में जलवायु के कारकों को जलवायु के कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया और साथ ही साथ वाष्पीकरण के आंकड़े भी और साथ ही साथ वाष्पीकरण के आंकड़े भी सुलभ नहीं हो पाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट थॉन्टवेट द्वारा अपने वर्गीकरण में टवेड द्वारा अपने वर्गीकरण में वर्गीकरण में जलवायु प्रदेशों का जलवायु प्रदेशों का अधिक निर्धारण इसको लोकप्रियता नहीं दिला सका मतलब इतना ज्यादा कहां से आया कितना किसको याद रखा जा सकता लोकप्रियता नहीं दिला सका तो इस तरह से समानता एवं अंतर के बिंदु हैं इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा हो सकता है आपके पेपर में पूछा जाए ठीक है बच्चों तो ये कुछ बातें हुई आज यहीं पर मैं अपनी क्लास रोकता हूं और कल आज जो ये प्रॉब्लम आई है ये कंटिन्यूसली दो दिन से प्रॉब्लम आ रही है शनिवार शनिवार को भी क्लास इंटरप्ट हुई थी आज तो खैर पूरी तरह से क्लास इंटरप्ट हो गई तो मैं ऐसे में कल देखता हूँ इसका क्या परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है मैं फिर इस पर फाइंड आउट करूँगा और एक बार फिर असुविधा के लिए खेद इसके लिए क्षमा कहूँगा ठीक है बच्चों तो फिर हम लोग मिलते हैं कल शाम को साढ़े सात बजे बाय थैंक यू